एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। इंडियन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। यहाँ पर हमने गैस पर पैन को चढ़ा दिया है। सबसे पहले इसमें एक से डेढ़ चम्मच कुकिंग ऑयल का डालेंगे। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें जीरा डाल देंगे, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, छोटा छोटा कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। एक से डेढ़ मिनट लगेगा। तो देखिए, प्याज हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें छोटा छोटा कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और साथ में ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे, ताकि टमाटर हमारा जल्दी से पक जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर को पेस्ट की फॉर्म तक आने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर देखिए, टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, सूखे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, रंग वाली लाल मिर्च, एक पैकेट हम मैगी मसाले का डालेंगे। अब इसको मसालों को अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इनको अच्छे से मिक्स कर पकाएंगे। मसाले अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पर मैंने सोया बड़ी को पानी में पिछले आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ है, ताकि इसकी जो स्मेल है अच्छे से निकल जाए और थोड़ी नरम हो जाए। अब इसके जो पानी है इसको अच्छे से निचोड़ कर हम अपनी ग्रेवी में डालते जाएंगे। अब इसको मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, ताकि मसाले इसमें अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए, एक मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसमें पानी डालकर, मैंने यहाँ पर एक ग्लास पानी का यूज किया है। अब इसको पानी को अच्छे से ग्रेवी में और सोया में पकने देंगे। मसालों में सोया को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से पक चुकी है, मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए हमने उतनी ही रखी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारी सोया कड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी बनी है। रोटी के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। Thanks for watching.